हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाम एंड टेल। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी, मैंगो करी यानी आम की कड़ी। तो करीब आधा लीटर दही लिया है, इसे अच्छे से फेंट ले ताकि इसमें कोई लम्स ना आए। 3 पके हुए मीठे आम हैं, 1 बड़ा प्याज है, लॉन्ग स्लाइसेस में कट कर ले, 2 सूखी लाल मिर्चें, 20 से 25 कड़ी पत्ते, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच सौंफ, हल्दी आधा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर 1 चम्मच, 4 से 5 चुटकी हींग। तो सबसे पहले जो आम है उनका छिलका उतार के पील ऑफ कर लें, और जो फल है उसके साथ ही हम जो मुट्ठी के साथ है फल ऐसे ही यूज करेंगे, इसे अलग से नहीं निकालेंगे, जस्ट आम को पील ऑफ करना है। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, उसमें प्याज डालें, हाई फ्लेम पर इसे कुक करना है, साथ ही इसमें सौंफ मेथी डालें, सूखी लाल मिर्चें भी इसके साथ ही ऐड कर दें। मसाले को लगातार चलाते रहें ताकि प्याज का कलर डार्क ब्राउन ना हो, इसे लाइट ब्राउन तक ही रखना है। कड़ी पत्ते भी इसी के साथ इसमें डाल दें और अच्छे से भून लें। तो जैसे ही मसाला सारा अच्छे से पक जाएगा, प्याज हल्के से सॉफ्ट दिखेंगे, तो अब इस स्टेज पे आके इसमें मसाले ऐड करें, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और हींग। मसालों को कुक कर लें, गैस की फ्लेम लो कर दें और मसाले को ठंडा होने दें। जैसे ही इसका टेम्परेचर काफी कम हो जाए, इसमें जो पील ऑफ किए हुए आम थे ये डाल दें, और इसके साथ लो फ्लेम पर करीब 10 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स करना है। साथ के साथ आप इसे अच्छे से जो आम है इनको टैप भी करते रहें, तो कि जो आम का पल्प है वो मसाले में अच्छे से ऐड हो जाए। तो ये देखिए, आम भी अच्छे से मसाले के साथ भून चुके हैं, अभी बिल्कुल ठंडा है स्टेज पे, तो उसमें आप दही ऐड कर दें और लगातार चलाते रहें और गैस की फ्लेम लो रखें ताकि दही जो है वो फटे ना। तो लगातार चलाते हुए इसे 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर ही और पकाना है। फिर देखिए, मैंगो कड़ी रेडी हो चुकी है, तो जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।